अभी यहाँ से केदारनाथ 4 किलोमीटर है भाई, बहुत हालत ख़राब है भैया, देख रहे हो, बोला भी नहीं ज़्यादा लड़कों से कुछ, बहुत ज़्यादा ठंड है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है हमारा केदारनाथ धाम का। तो इस यात्रा को हम कई सारे एपिसोड्स में लाने वाले हैं। तो केदारनाथ की यात्रा मात्र आपके सोचने से नहीं होने वाली। ऐसी सुंदर जगह जाने के लिए आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिक्कतों को आपसे रूबरू कराया जाए। तो सबसे पहले, अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं या फिर लोकल भी हैं, तो आपका चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी आधे रास्ते से घर वापसी भी हो सकती है। तो दूसरा, अगर आपको सही समय पे अपना फूड ट्रैक स्टार्ट करना है तो दोपहर तक आपको सोनप्रयाग में पहुंचना पड़ेगा। तो यार, बहुत पे लिया ज्ञान, किया जाए प्रस्थान। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है 4:37 और मैं हूँ 0.3 के ऊपर, 0.3 से थोड़ा पीछे डैम टॉप के ऊपर। सो गाइस, हम जा रहे हैं केदारनाथ और जितना हमसे हो सके हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारे डैम टॉप का व्यू। भाई ये देखो, सुबह की 5 बजने वाली है और ऐसा सीन है कुछ टीरी डैम का। फिलहाल तो निकल रहे हैं दीपक, अभी मैं, और अगर आगे से भाई को उठाना है अभी। 1 hour later, ये दीपू भाई के 2 कुत्ते हैं, दोनों जर्मन शेफर्ड हैं। और ये देखिए गाड़ी पे कैसे वो कर रहे, गाड़ी पे रहते हैं क्या? चलो तो भाई, वो इसका नाम क्या है इस बड़े वाले का? हाँ तो भाई, ये जैकी और कैरी। ये कैरी तो बेचारा शरीफ है, पर ये जैकी बड़ा हरामी है। ये अभी हम कर रहे हैं भाई का वेट, बुश भाई का घर है ऊपर, जिसको हमने अपने साथ केदारनाथ लेके जाना है। तब तक हम अपने ब्रेडी और एक का नाम क्या है, कैरी, जैकी और कैरी जो भी इनका नाम, ये दीपक भाई के कुत्ते हैं, इन्हें घुमाते हैं। तब तक अब किसी को इनके बच्चे चाहिए होंगे तो बताना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलो भाई, तो मिलते हैं अब, जैसे भाई आएगा उसकी शक्ल भी दिखाएंगे आपको। 7:59 AM भाई, अभी पहुंच चुके हम श्रीनगर मार्केट में। मार्केट तो अभी वैसे खुला नहीं है, 8 बज रही है और ये इसलिए रुके हैं, सामान लेने जा रखे हैं। तो यहाँ से चलते हैं, फिर कैंपिंग वगैरह का सामान लेना है कुछ, और मेरे साथ है अभी इसका दोस्त भी रहता शायद यहीं कहीं। हैप्पी पुंडीर उर्फ डेड पूल भाई, कुछ ऐसा सीन है श्रीनगर मार्केट के। खैर अभी मार्केट खुला तो है नहीं, और दीपू भाई वहाँ पे सामान ले रहे, गाड़ी अपनी वहाँ पे लगी हुई, साहिल भाई भी यहाँ बैठे हैं, पर अरे एक और बैटमैन खड़ी है यहाँ पे, दीपू भाई सामने, साहिल भी जा चुका है अब तो, और एक मेरा दोस्त भी रहता है यहाँ, उसका कॉलेज है यहाँ, हैप्पी पुंडीर है भाई उसका नाम, उसे भी लाएंगे अब ब्लॉग में। मैंने उसे भी कहा था पर वो गया नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। इसका दर कुछ रोड का सीन हो रखा है, बहुत टफ मामला है क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है इस बार, यात्रा का सीजन चल रहा है और इस टाइम बहुत ही ज्यादा, क्योंकि 2 साल बाद यात्रा खुली है, तो ऐसा सीन है कुछ रोड का। तो लोग बाहर से भी आ रखे हैं जो इधर ढंग से नहीं चल पा रही गाड़ी, अभी हमारे साथ बहुत ही रफली चल रहे हैं, हमारे साथ पीछे सीन हो गया था अभी कुछ। तो भाई जो भी आ रहा है यहाँ ध्यान से आओ, पहाड़ों का सीन है, सीधा खाई है। अपनी सावधानी अपने हाथ में है, आजकल इस रोड में बहुत ट्रैफिक होने के कारण ऐसा भी हो रहा है, सो प्लीज। तो भाई अब रुद्रप्रयाग मार्केट में हम एंटर कर चुके हैं, तो देखते हैं अभी कैसा सफर रहता है, फिर काफी क्राउड है वैसे हर जगह, और यहाँ तो अभी हम कुछ काम कराने आए हैं, वैसे हमें फिर बैक मुड़ना है, वहाँ से एक केदारनाथ के लिए रास्ता जाएगा, ये कौन सा रूट है, बद्रीनाथ के लिए। तो अभी हम इस मार्केट में आए कुछ काम के लिए, इसके बाद फिर से वापस मुड़ना है। केदारनाथ वाले रूट पे भी मिलता है वैसे, मिलता है लेकिन हमें फिर बैक जाना है क्योंकि वहाँ से नज़दीक पड़ेगा हमें।
पूरा ट्रैफिक हो चुका है। ये सामने आप देख सकते हो पुलिस वाले के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं पूरा दिखाता हूँ आपको पुलिस के साथ आपकी कंट्रोवर्सी। अंकल जी पूरी मेहनत करते हैं, देखिए कितना बड़ा ट्रैफिक है सामने। हमारी गाड़ी भी पीछे खड़ी है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो भाई ये अंकल जी ने यहाँ पे गलत गाड़ी लगा दी है, इन्हें पीछे जाना पड़ सकता है पूरा, जैसे कि ले रहे हैं बैक। और आपको दिखाता हूँ मैं अपनी बिल्लो रानी। बहुत दिमाग खराब है यार, ये इतना बड़ा ट्रैफिक कैसे लग सकता है। हमारी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी है सामने यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको अपनी गाड़ी में जाके क्या सीन है। आगे बहुत बड़ा जाम भाई, 1 किलोमीटर तक पूरा जाम लगा हुआ है। ये देखो सामने आ रही है अपनी गाड़ी, यहाँ पे बिल्लो रानी सब साथ खड़ी। मेरी आवाज़ आप तक आ रही हो ना आ रही हो, पर बहुत बड़ा ट्रैफिक है भाई, ये देख लो पीछे। मैं पहुंच चुका हूं नारायण कोटी, यहां से है व्यू दिखने का कुछ ऐसा। और यहां से आप हेलीपैड की सुविधा ले सकते हैं। ये फर्स्ट ट्रैक है, इसके बाद आएगा फाटा। तो चलिए आपको आगे आगे दिखाता रहता हूं। वो है हेलीपैड और एक हेलीपैड वो है, तो आपको दिखाता रहता हूं आगे चल के। बाय बाय। आपको मैं थोड़ा यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ। जगह एकदम एक नंबर है। अब यहाँ से 30 या 40 किलोमीटर होगा लगभग केदारनाथ। आगे से शायद हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है, वहाँ से 13 या 14 किलोमीटर हमें पैदल तो नहीं सुमो में जाना है। उल्टी हो जाती है यार सुमो में। और यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ट्रैफिक देख रहे पीछे, ट्रैफिक बहुत है। और वहाँ पे एक नारा ऐसा लगा हुआ खैर में। और अपने अंकल जी भी पूरी मेहनत करते पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, लगभग 3 या 4 बार रुक चुके हैं हम। आवाज़ का थोड़ा देख लेना, क्योंकि भाई यहाँ बहुत पीछे तक है भाई ट्रैफिक लगा हुआ पूरा पीछे तक। अब इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं कुछ, सीधा अगर अगले ट्रैफिक लगता है तो ठीक है, नहीं तो मिलेंगे जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते। सो बाय। हेलो गाइस, तो कई देर ट्रैफिक में फंसे होने के बाद हम पहुँच चुके सोनप्रयाग। तो सबसे पहले मैं कुछ आगे बताने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा लोकेशन दिखाऊँगा। देखिए दिखाई दे रही होगी आपको भीड़, देखिए पहले भीड़। हेलीकॉप्टर भी चल रहा है यहाँ पीछे भाई, हेलीकॉप्टरों की तो भीड़ है लगी हुई। और सोनप्रयाग मतलब हम अभी जा भी सकते नहीं भी जा सकते। खैर पार्किंग के हमें यहाँ 500 रुपये पड़े, 500 पड़े ना दीपक भाई। हाँ तो यहाँ देखिए हमारा ये भाई सामान, रात को हम दिखा नहीं पाए। अभी भाई अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, मैं अभी चेंज करूँगा। तो अभी हमारा कुछ कंफर्म नहीं है कि हम ऊपर जा सकते हैं नहीं जा सकते, वो देखेंगे। क्योंकि अभी वो कह रहे थे कि हम कितने बजे पहुँचे हैं, अभी कितना हो टाइम है। तो भाई वो 2 बजे यहाँ से यात्रियों को ऊपर नहीं जाने देते, तो हमें वहाँ बोलना पड़ेगा कि हम लोकल आदमी का इस लोकल आदमी को जाने दें। देखते हैं तब आगे मिलता हूँ आपको। सो भाई लोगों हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग से पैदल। अभी हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि कई टैक्सी ड्राइवरों से हमने पता करा कि हम ऊपर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। तो कोई कह रहे जाने देंगे, कोई कह रहे हमारे साथ बैठो, कोई कह रहे वहाँ लोकल बंदे हो अपना वो दिखाओ आधार कार्ड। तो अभी कुछ पता है नहीं। हमने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर दी है, ये देख सकते हैं आप सारे लौंडे। और क्राउड देखो एक बार इतना ज़्यादा वो है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। तो यहाँ नीचे करिए हमने अपनी गाड़ी पार्क। लौंडे अपने चल रहे भाई आगे। तो भाई लोगों यहाँ पे पुलिस वाले कर रहे हैं मना, कैमरा बंद कर, क्या कार डरूंगा। तो भाई सोनप्रयाग से हम निकल चुके हैं, और कैसे निकले भाई हम ही जानते हैं। 2 घंटे का संघर्ष जिसे बोलते हैं ना, 2 घंटे तक दीपू भाई के टैलेंट के कारण। दीपू भाई के टैलेंट के कारण हुआ है, मतलब पुलिस वालों से भाई बोलना आना चाहिए। 2 घंटे तक रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन पुलिस प्रशासन भी मान गया था जल्दी। बहुत ही अच्छे अच्छे थे मैडम, तो बहुत ही अच्छी थी मैडम थी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद गाइस फाइनली। तो आप जब भी आओगे तो भाई जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि 2 बजे के बाद बिल्कुल जाने नहीं देंगे यहाँ से। हाँ तो भाई हम बड़ी मुश्किल से मतलब पुलिस वाले हमें पहले छोड़ा, अब हमें यहाँ सोनकुंड से मिल चुकी गाड़ी, सीधा गौरीकुंड जाना है। हमें इस वाले बस्ती दिखाता हूँ,
ये अपने साहिल भाई बैठे हुए अंदर, और दीपक भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ, खैर इनकी छोड़िए। कितना होगा यहाँ से साहिल? अभी 6-7 किलोमीटर। तो मिलते हैं भाई आपसे, मैं गौरीकुंड बैठ जाता हूँ, पुलिस से बहस कर करके थोड़ा। भाई लोग तो हम गौरीकुंड से ऊपर निकल चुके हैं, आपको पैदल ट्रैक करिए अपाहिज लोग, देखिए भाई कितना ज़्यादा, हेलीकॉप्टर भी देख सकते हो आप लगे जाने। तो भाई ऐसे में तो मैं थक जाऊंगा अगर लगा रहूंगा। दिखाता हूँ मैं एक बार फिर से आपको भीड़, ये देखिए चलिए मिलते हैं आपको थोड़ा आगे। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी केदारनाथ होगा 12 किलोमीटर। और यात्री देख रहे हो रात भर चल ही रहे हैं भाई, अभी चलते रहते हैं, अभी आपको मिलेंगे डायरेक्ट होटल में। और यहाँ की एक और चीज़ यार, यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाओ वैसे वैसे हर चीज़ पे 5-5 रुपये बढ़ता जा रहा है। क्यों साहिल भाई? तो दीपक भाई यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, हमें तो कुछ पता है नहीं भाई, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ। फर्स्ट टाइम भी ठीक ही है, कुछ बुरा नहीं है। तो चलो मिलते हैं आपको डायरेक्ट होटल में, और ये हमारे फर्जी यूट्यूबर। सो बाय भाई लोग पहुँच चुके हैं इस लोकेशन पे, अभी यहाँ से भी भाई और साहिल और दिप्पू लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ से भी भाई 6 किलोमीटर है, और देख ग्लेशियर भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि ये पड़ी हुई भाई, ये इतनी मोटी बर्फ है यहाँ नीचे से, पानी यहाँ गहरा खोखला है पूरा, इसके नीचे पत्थर पत्थर है बिल्कुल, और कुछ नहीं है। और अभी हमने खाना भी नहीं खाया, अभी होटल भी कोई खुला है नहीं यहाँ, अभी देखेंगे ऊपर जाके मिलता है कि नहीं। अरे दीपक लोग आ चुके हैं, अभी देखते हैं ऊपर क्या होता है। अभी ऊपर मिलेगा अगर हमें होटल तो ठीक है, नहीं तो हमें टेंट लगाना पड़ेगा। अरे ये भाई कुछ रास्ता कीचड़ कीचड़ भाई लोगों, ये कितना हो रहा टाइम, 1 या 2 बजे हमने यहाँ पे टेंट लगाया। ये हमारा टेंट, नीरज भाई फिर से पैक हो चुका है, मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं भाई, यहाँ ठंड बहुत है एक तो। ये कुछ हमारे टेंट की लोकेशन, दीपक भाई ये तैयारी कर रहे हैं अपनी, कैमरे कुमरे और फोनों की बैटरी भाई एकदम कम हो चुकी है हमारे, ऊपर देखते चार्ज होंगे कि नहीं। अभी यहाँ से केदारनाथ 4 किलोमीटर है भाई, बहुत हालत ख़राब है भैया, देख रहे हो बोला भी नहीं जा रहा लड़कों से कुछ, बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर हमें पुलिस वाले वक्त पे छोड़ लेते नीचे से तो हम केदारनाथ ही होते, पर क्या कर सकते। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अगले एपिसोड में हम कराएंगे आपको केदारनाथ जी के दर्शन। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।